दोस्तों, हम सभी ने मखाने और अंग्रेजी में फॉक्सनट कभी न कभी तो जरूर खाए हैं, पर क्या आप जानते हैं इन्हें बनाया कैसे जाता है, इनकी खेती कैसे करी जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मखाने कैसे बनते हैं, मखाने बनाने की पूरी जानकारी, खेती से लेकर मखाने तैयार होने तक सारी प्रोसेस को दिखाने और हम बताने वाले हैं। तो चलिए, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मखाने की खेती जमीन या किसी खेत में नहीं, बल्कि मखाने की खेती तो तालाब में करी जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है। इसके बाद दिसंबर से जनवरी के महीने तक मखाने के बीजों को पूरे तालाब में छिड़का जाता है। मखाने के बीज छोटे अंगूर की तरह रंग में काले और हल्के भूरे भी होते हैं। मखाने की बुआई यानी बीज के छिड़काव के बाद जनवरी से फरवरी महीने के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोल कांटेदार पत्तों से भरा दिखाई देने लगता है और इन पत्तों की जड़ काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है, जो तालाब के नीचे तलहटी तक पहुंच जाती है। इसके बाद अप्रैल महीने के आखिर में इसके छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं और मई महीने के पहले ही सप्ताह में ये इस तरह के फूल काफी संख्या में खिल जाते हैं। इन फूलों का रंग बैंगनी होता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब मई महीने के आखिर के 2-3 दिनों में फल आने लगते हैं। मखाने का फल गुब्बारे की तरह दबने वाला होता है और कांटेदार भी। और अगर इस फल में बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 50 से 70 या 100 बीज भी हो सकते हैं, और यही बीज तो आगे चलकर मखाना बनने वाला है। दोस्तों, जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसीलिए यह फल पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिस कारण इसका बीज तालाब के पानी पर तैरने लगता है। और दोस्तों, इस बीज के चारों ओर एक गुलाबी रंग का ऐसा कवर हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद यह गुलाबी कवर पानी में गल जाता है और सफेद रंग में ढल जाता है, और यह सफेद रंग का बीज तालाब के तलहटी में बैठने लगता है। इसके बाद अगस्त से सितंबर महीने के बीच मखाने के पत्ते भी गलने शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद तालाब से निकालकर इन पत्तों की सफाई करी जाती है और मखाने का बीज जो तालाब के पानी में बैठ गया था अब उसे बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके लिए मखाने की खेती करने वाले किसान इस छलनी जैसी बनी टोकरी, जिसे ये किसान गांज कहते हैं, उसकी मदद से ये किसान पानी के अंदर से मखाने के बीजों को कड़ी मेहनत करके निकालते हैं। सच में दोस्तों, हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत की सही रकम कभी नहीं मिलती। खैर, जब सारे बीजों को पानी से निकाल लिया जाता है तो इन बीजों को पैरों से मसलकर साफ किया जाता है, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है, और फिर इन बीजों को पानी से साफ किया जाता है। इसके बाद इन बीजों को बोरों या कट्टों में भरकर अगली प्रोसेस के लिए तैयारी करी जाती है। इस प्रोसेस में इन सारे मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और इसके बाद अलग अलग छलनियों से बीजों के साइज के अनुसार इन्हें अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें फिर से अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, जिस कारण इन बीजों का रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। इसके बाद दोस्तों, इन बीजों को मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में भरकर ठंडी छायादार जगह में रखा जाता है, जिससे बीज के मुलायम छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब फिर से कम मात्रा में बीजों को लेकर कढ़ाई में भुना जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इस बार इन बीजों को भूनने में 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब मिट्टी की कढ़ाई के बाद इन्हें लोहे की कढ़ाई में भूजा जाता है तो बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बनी थपकी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे बीज का छिलका टूटकर अलग हो जाता है और बहुत गर्म होने के कारण बीज लावे के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है।
और दोस्तों यही लावा तो मखाना बनता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छी तरह छिलके से अलग करने के लिए इन मखानों के लावों को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम सफेद मखाना तैयार मिलता है। और फिर इन सभी मखानों को अलग अलग कंपनी के लेवल के साथ पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे होता है मखाना तैयार। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।